नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। हम लोग अभी अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का, जड़ को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन में हमने मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग देखने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया, और उसमें ये पता लगता है कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सूचना का है। मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो एक सूचना है। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं जो संवेदना के रूप में मुझ तक पहुँचती हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ, ये भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तीसरे स्टेप में हमने ये देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय मेरा है। मैं आवश्यकता अनुसार, समयानुसार शरीर को निर्देश देता हूँ और आवश्यकता अनुसार, समयानुसार संवेदना को पढ़ता हूँ जब मुझे महत्वपूर्ण लगता है। स्टेप फोर में हमने फिर मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखने का अभ्यास किया। तो संवेदना को देखा और इस बात को देखने का अभ्यास किया कि मैं संवेदना नहीं हूँ, संवेदना में नहीं हूँ, संवेदना से दूर हूँ, संवेदना मुझसे बाहर है ना। और शरीर के फिर हर एक भाग में, हर एक अंग में संवेदना को पहचानने का, देखने का अभ्यास किया और इस बात को देखने का अभ्यास किया कि शरीर का हर अंग मुझसे बाहर है। इससे हम ये भी देख पाते हैं कि शरीर मुझसे बाहर है, मैं शरीर नहीं। तो स्टेप फोर में जो हम लोगों ने काम किया दूरी को देखने का, उसको अपने को बनाए रखना है। और जितना जितना स्पष्ट रूप से दूरी को देख पाएंगे उतना उतना मैं और शरीर का जो अंतर है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, ये हमको स्पष्ट हो पाएगा। फिर स्टेप फाइव में अभी हम ये देख रहे हैं कि जो भी संवेदना को मैं पढ़ता हूँ उसकी प्रोसेसिंग मुझ में कैसे होती है, तो मैं कैसे उसको अर्थ देता हूँ, फिर अर्थ के आधार पर कैसे मैं प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, फिर कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ या रिएक्ट करता हूँ, फिर कैसे उसका एक्सप्रेशन जाता है। तो इसमें अपने को दिखाई दिए कि संवेदना के तीन स्रोत हैं। एक स्रोत है जो शरीर के भीतर है ना, शरीर में होने वाली क्रियाएं, और एक तरह का स्रोत है जो शरीर से बाहर है। अब शरीर से जो बाहर स्रोत है उसमें दो प्रकार रख सकते हैं समझने के अनुसार। तो एक तो मानव के साथ होने वाला व्यवहार जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और दूसरे में बाकी सब जो भी शरीर से बाहर क्रियाएं हो रही हैं उनका जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं उनका जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है इन सबको। तो कोई दृश्य सामने चल रहा है वो भी शरीर पे, कोई ठंड गर्मी लग रही है वो भी है ना, कोई स्पर्श हो रहा है वो भी, ये सारा कुछ। तो ये जो शरीर से बाहर जो दो स्रोत हैं उसको हम लोगों ने स्टडी किया, दूसरे मनुष्य का व्यवहार या भौतिक रासायनिक वस्तु। तो उसमें दिखता है कि उसमें 9 स्टेप्स शामिल है, है ना। ओवरऑल अगर देखें तो शरीर पे कोई प्रभाव पड़ता है उससे शरीर में संवेदना उत्पन्न होती है। मैं आवश्यकता अनुसार उस संवेदना को अपने निर्णय अनुसार पढ़ता हूँ। फिर मैं अपने संस्कार जो समाज आधारित हो सकता है या मान्यता आधारित हो सकता है उससे जोड़कर मैं उसको अर्थ देता हूँ। फिर मैं उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ, अपने भाव विचार बिगाड़ता हूँ नहीं बिगाड़ता हूँ, ये हमारे इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा संस्कार क्या है, समझ आधारित है या मान्यता आधारित। तो यदि मान्यता आधारित होती है संस्कार हमारी तो मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर समझ आधारित होता है तो मैं आराम में रहता हूँ और मैं जिम्मेदारी पूर्वक फिर उस पर निर्णय लेता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक विचार करता हूँ। तो फिर अगर मुझे लगता है कि शरीर से कुछ संकेत देना है तो उसका भी मैं निर्णय लेता हूँ। अगर लगता है कि शरीर से कोई संकेत नहीं देना है तो अपने आप में ही मैं उसको विचार पूरा करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि एक विराम भी हो सकता है। तो मैं अपने अंदर प्रतिक्रिया किया और अपने अंदर ही रुक गया, मैं अपने अंदर जिम्मेदारी के भाव को स्वीकारा, अपने अंदर ही रुक गया। दूसरा हो सकता है कि मैं शरीर को निर्वाह करने के लिए संकेत देता हूँ। वैसे देखें तो ये भी एक संकेत है कि कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है ना, ये भी एक संकेत है। अगर वैसे हम लोग ब्रॉडली देखें, कुछ बोलने का निर्देश दिया ये भी एक संकेत है, चुप रहने का निर्देश दिया ये भी संकेत है। परंतु यदि हम वहां पे एक विराम को देखने जाएं तो देख सकते हैं कि वहां एक विराम लग जाता है। फिर यदि हमने शरीर को संकेत दिया तो शरीर जैसा मैंने संकेत दिया वैसा करता है और फिर उसके आधार पर घटना घटित होती है। उसी को हम लोगों ने एक मच्छर के उदाहरण से समझा, उसी को हम लोगों ने, विनय भैया ने जो कार पार्किंग का कल उदाहरण दिया था उसको लेकर समझा कि कैसे हमारे रिएक्शन रिस्पॉन्स में ट्विस्ट आता है हमारे अर्थ के द्वारा कि नहीं।
जैसे एक घटना है ना, कभी कभी वीडियो में जो घूमती रहती है कि एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहे थे और सामने कुछ बच्चे थे, वो बहुत उधम कर रहे थे, तो देख के बहुत परेशान हो रहे थे और उनके लग रहा था इसके पिताजी इसको रोकते क्यों नहीं है, ट्रेन है सबके लिए है, कुछ बच्चे हैं जो इतना उधम कर रहे हैं। फिर बातचीत में पता चला कि उन बच्चों की माँ अभी कुछ दिनों पहले खत्म हो गई है, तो है ना, इसलिए वो कुछ कह नहीं रहे। अब तुरंत भाव बदल गया, जहाँ बच्चों को उधम से परेशान हो रहे थे, जैसे ही सूचना मिली कि अब उनकी माँ नहीं रही, तुरंत भाव बदल गया। तो ऐसा पाएंगे हमारी दिनचर्या में भी 10 बार 20 बार 50 बार होता है, एक तरह की सूचना आती है फिर दूसरी तरह की सूचना आती है, उससे हमारा भाव बदल जाता है। या एक तरह की सूचना आई और हमारे अंदर जो भाव विचार चल रहा है उसमें ही कुछ परिवर्तन हो गया, हमने ही कुछ अपने मानना को बदल लिया, या एक मान्यता से दूसरे मान्यता पे शिफ्ट हो गए, मान्यता से समझ पे शिफ्ट हो गए, जैसे किसी को देखकर हमको इरिटेशन हो रहा है और तभी ध्यान में आ गया कि नहीं, इंटेंशन साउंड है, जरूर व्यक्ति परेशान है इसलिए ऐसा कर रहा है ना। अब आपका तुरंत भाव बदल गया, कैसे, अर्थ बदल गया। तो यहाँ पे जो अर्थ देने का जो भाग है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो हम लोग पहले अभ्यास कर रहे थे अभ्यास एक में भी कि अपने संस्कारों को पहचानना है स्टेप 5 में, वैसे ही यहाँ पे भी अपने संस्कारों को पहचानना है कि कैसे मैं अर्थ देता हूँ और कैसे अर्थ बदलते हैं, और उसके जड़ में जो मान्यता है, उसके आधार में जो मान्यता है वो किस प्रकार से काम कर रही है, कब मैं एक प्रकार का अर्थ देता हूँ, कब मैं दूसरे प्रकार का अर्थ देता हूँ, दूसरे के व्यवहार को लेकर, बाहर की घटनाओं को लेकर कि नहीं, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। तो इस असाइनमेंट को हम लोगों ने कल लिया था, इसके आधार पर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये इसमें ये पूछना चाह रहे थे भैया कि जो आप कल हमारा ये 9 स्टेप में करने का था, तो वो वास्तव में जो हम कोई अपना किसी के बारे में मान्यता बना रहे हैं, या जो हम हमारा वो है उसी आधार पर हो रहा है, जैसे आपने कल उस पर ध्यान दिलाया तो वो थोड़ी सी सजगता बढ़ी हुई थी, तो उसको मतलब करना वो अपने आप जो है सो नहीं हो पा। जैसे मान लीजिए मैंने मैंने किसी के बारे में मान्यता बना लिया है कि ये तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, तो अब यदि उधर से कोई रिस्पांस आया तो उधर से कुछ भी आया तो उस हिसाब से मतलब अपने आप में होने लगा, और फिर उसको अपने आप को पॉज देकर फिर रेक्टिफाई करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ ना भैया कि मेरे अंदर एक हड़बड़ी सी आ गई कि अरे, जबकि आप लोगों ने कई सारा वर्कशॉप में ध्यान दिया है कि हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है, हड़बड़ी भी एक प्रतिक्रिया है, तो इससे हम अपने में परेशान हो गए। तो इसके लिए भैया क्या कह रहे हैं, जो हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, हम तो इसको वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके जी, लिए क्या परेशान आप हो गए, जी, तो परेशान हो गए तो फिर अपने मान्यता को देखेंगे, अपने संस्कार को देखेंगे कि किस बात से परेशान हुए। तो हमने कुछ ऐसा मान लिया होगा, एक बार हमने सुन लिया वर्कशॉप में या सुबह के सत्र में, तो अब मेरा आचरण निश्चित हो जाना चाहिए, क्यों मान जी लिया हम, है जी ना, तो हमें ये मानने की जी जरूरत नहीं है। अभी तो उसके आधार में जो भाव पे काम करना है वो हुआ नहीं है, जो समझ के काम करना है हुआ नहीं है, कई जी बार हम फल परिणाम में कुछ चीजों को मान लेते हैं, इतना तो हो ही जाना चाहिए, एक बार हमने सुन लिया बात समझ में आनी चाहिए। बट सुनने और समझने के बीच का जो गैप है, जांचने का, जी कर देखने का, अगर हम उसको पूरा ना करें निष्ठापूर्वक तो नहीं होता है वो, ये बात अपने आप जी पे दिखना जरूरी है। हाँ, ये तो भैया करीब करीब रोज के सत्र में कहते हैं कि उसको सुनना और उसको आचरण में लाना, तो ये जो है सो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, जब बाहर कोई घटना नहीं हो रही, किसी का व्यवहार या कोई अन्य घटना है भौतिक रसायनिक, बल्कि शरीर में ही कुछ हो रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट शरीर की क्रियाओं को आप देखेंगे तो पहले हम जब देखते हैं तो बहुत स्थूल रूप में देखते हैं, कहीं खाज खुजली हो रहा है कुछ, है ना, दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है। आप उसको बारीकी से पहचान लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शरीर में होने वाली घटनाओं से मैं कैसे प्रभावित होता हूँ। जैसे अभी भूख लग रही है ना, और भोजन का टाइम हो रहा है, और उस समय कोई आपके पास काम आ गया करने के लिए, आप पाएंगे कि आपका एक इनर रिएक्शन शुरू हो जाता है, आप जिस तरह से पहले ध्यान से कर रहे थे वो बदल गया, जितनी तेजी से कर रहे थे वो बदल गया, है ना। तो आप पाएंगे कि आपका
भाव में परिवर्तन हो रहा है, आपके विचार में परिवर्तन हो रहा है, भले हम इसके प्रति ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिक्रेशंस होते रहते हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस होते रहते हैं, उसके साथ कई बार हम अवेयर नहीं रहते हैं और उसके कारण हमारे कंडक्ट में, हमारे आचरण में परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी बात ऑब्जर्व करने की, इसमें शरीर में होने वाली क्रियाओं को स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक जितना बारीकी से हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको हमने कैसे अपने संस्कारों के साथ जोड़कर अर्थ दिया है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये बात आपको दिखाई देगी। तो जैसे शरीर से बाहर होने वाली कोई घटना थी, वैसे अब शरीर में कोई घटना हो रही है, उससे शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है ना, उस संवेदना को मैं निर्णयपूर्वक पढ़ रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ तो एक तरह की बात है, पढ़ रहा हूँ तो दूसरे तरह की बात, फिर मैं अपने संस्कार समझ या मान्यता आधारित हो सकता है उससे जोड़कर मैं अर्थ दे रहा हूँ। तो इसको आप ऑब्जर्व करिए ना, जैसे आप पूरे दिन भर का आपका जो कंडक्ट रहा, आचरण रहा, उसको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि आज आप कितने परेशान रहे या कितने आराम में रहे। और हो सकता है आपको कोई बाहर कारण नहीं दिख रहा, किसी ने आपसे गलत व्यवहार नहीं किया, कोई बाहर कैसी भौतिक ऐसा नहीं घटना नहीं है, बट आप खुद ही खुद में थोड़े परेशान से हो गए, क्यों हो गए? तो उसका शरीर में कोई घटना हो रही है ना, शरीर में कोई भौतिक ऐसा नहीं घटना हो रही है जिसके प्रति आप अवेयर नहीं है और उससे आप प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, फिर आपका भाव बिगड़ रहा है, फिर आप अंदर अंदर रिएक्शन कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार फिर आप शरीर को निर्देश दे रहे हैं, उससे बाहर कोई घटना घटित हो रही है। अब अगले व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा कि हमने तो कोई गलत व्यवहार नहीं किया, बट अगला व्यक्ति रिएक्टिव हो रहा है, क्यों रिएक्टिव हो रहा है, इस चीज को आप ऑब्जर्व करें। तो इसमें भी आप पाएंगे कि बहुत सारा हमारा जो रिएक्शन है बेहोशी में होता रहता है, हमारे अंदर कुछ संस्कार बना हुआ है इसके प्रति हम सजग नहीं है, उसके साथ जोड़कर हम उसे कोई अर्थ दे रहे हैं और उससे है ना हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हमारे कार्य में परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर के रखरखाव में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो अभी ऐसा करेंगे, अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं, फिर इस पर प्रश्न लेंगे। तो जैसा हम लोग बाहर होने वाली घटनाओं के आधार पर शरीर में जो संवेदना उत्पन्न हो रही थी उसके आधार पर जो कुछ घटित हो रहा था फर्दर उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ही अब बाहर होने वाली घटनाओं को ध्यान में न रखकर, केंद्र में न रखकर शरीर में जो कुछ घटित हो रहा है उसके आधार पर देखें। जैसे किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ गया है, अब वो एक उसका प्रभाव पड़ रहा है कल्पनाशीलता पे, किसी की डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ गया है, उसका एक प्रभाव पड़ रहा है कल्पनाशीलता पे, ठीक, या और भी कोई घटना हो रही है शरीर में उसका प्रभाव पड़ रहा है और हम उसके प्रति अवेयर नहीं है, बट ओवरऑल जब कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व करता है तो हमको हमारे कंडक्ट में चेंज दिखाई देता है कि नहीं। अगर हमारे ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो अभी पहले हम जिस तरह से आचरण कर रहे थे और अभी जिस तरह से आचरण कर रहे हैं उसमें फर्क दिखाई देता है और हमें उसका होश भी नहीं है, हमें उसका पता भी नहीं है। इस चीज को अपने आप में ऑब्जर्व करना है, 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं फिर उसके बाद इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो शरीर में होने वाली घटनाओं को है ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हुए छोटी से छोटी घटनाओं को ऑब्जर्व करें और देखें कि उसको आप कैसे अर्थ दे रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार कैसे शरीर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना है। तो पिछले 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन में वैसे समय तो थोड़ा ही पड़ता है इस तरह के ऑब्जर्वेशन के लिए, बट अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो और कोई प्रश्न आपके बने हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा बारीकी से करें। स्टेप 5 को, 4 को भी करना था अपने को कि शरीर के हर अंग से अपनी दूरी को देखना था, हर एक संवेदना से अपनी दूरी को देखना था और इसमें उस संवेदना से मैं कैसे प्रभावित हो रहा हूँ और उसके आधार में क्या मान्यता है, इसको भी अपने आप को ऑब्जर्व करना है ना। नहीं प्रभावित होते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि प्रभावित हो रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना है, वहाँ अपने संस्कार को देखना है। तो अपने आप को शरीर मानकर जीते हुए जो हमारा एक लंबा अभ्यास बन गया है, बहुत सारे हमारे गहरे संस्कार बन जाते हैं जहाँ शरीर में कोई घटना हुई नहीं कि हम प्रभावित हुए, क्योंकि मुझे अपने से शरीर की दूरी स्पष्ट नहीं हुई है, दिख नहीं रही है, माना है, सुना है, सोचा है, विचारा है, देखा नहीं है, इसलिए है ना प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होकर हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अपने अंदर ही प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जरा सा चुभन हो रहा है पैर में और उसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही है, हमें पता भी नहीं है, चुभन की संवेदना पहुंच रही है और प्रतिक्रिया तैयार हो जा रही है, उसके बीच का जो गैप है
जो अर्थ देना है मेरे द्वारा वो मुझे स्पष्ट नहीं है और उसको प्रतिक्रिया कर रहा हूँ मैं और करता जा रहा हूँ। उसी बीच किसी का व्यवहार आ गया सामने, तो वही प्रतिक्रिया बाहर निकल गई है ना। अब अगले आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या मामला है, ये आदमी बैठे बैठे क्यों परेशान हो जाता है, आवेशित हो जाता है, सब कुछ तो ठीक था, हमने कुछ बात बिगाड़ी भी नहीं, हमने कुछ कहा भी नहीं, हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं, और ये आदमी चिड़चिड़ा हो गया है कि नहीं। तो आएंगे, अब अगले आदमी को लगता है कि इस आदमी का आचरण निश्चित नहीं है, ये कब बैठे बैठे गुस्सा कर दिया, कब बैठे बैठे इसके अंदर एक स्नेह का भाव उमड़ा है ना, कब हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करने का सोचे, कभी हमारा काम बिगाड़ने का सोचे, ये आदमी कुछ भी करता रहता है। बट वो अगला जो व्यक्ति है वो शरीर में होने वाली संवेदनाओं से प्रभावित हो रहा है, जिसका हमको होश नहीं है, हमको पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है। भैया इस पर एक मेरा प्रयास मैं कई दिनों से कर रहा हूँ और अच्छा भी लगता है, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है उसमें मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाह रहा था। असल में क्या है कि मैं अपने एक बताई भैया इस तरह के सत्र में हम अनुभव शब्द का प्रयोग रियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कह ले उसको। जी बताइए। तो इसमें ये है कि आपको पता ही मेरा 70% शरीर विकलांग है एक्सीडेंट के कारण। जी, तो जी, अब मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ, ये सारे काम करता रहता हूँ, तो क्या है मेरे हड्डियों में सब जगह जहाँ पे भी प्लेट चौराने चीजें पड़ी वहाँ दर्द बहुत तेज होता है कभी कभी। तो मैं ये देखता हूँ कि वैसे तो शांत रहता अनुभव होता रहता है, चीजें भी चलती रहती, मतलब एक साथ सारी क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, वो तो महसूस होता है। लेकिन जब कभी कोई ऐसे पोस्चर बिगड़ जाए या कुछ हो जाए, मान लीजिए मैं मीटिंग में बैठा हूँ, बातचीत चल रही है और कोई ऐसी पोस्चर बिगड़ा, तो एक जो करंट की तरह झटका लगता दर्द का, तो उसमें ये देखना तो नहीं हो पाता कि संवेदना को पढ़े या कोई अर्थ दे, ये सब चीजें तो एक सेकंड के लिए तो नहीं हो पाती है। लेकिन ये भी है कि भाव नहीं बिगड़ता अंदर से, मतलब जैसे अनुकूल स्थिति में बैठ गए, फिर आगे जो बातें चल रही थी वो दूसरे को समझ में नहीं आ पाता कि इनको एक सेकंड के लिए क्या हुआ। लेकिन लोगों को ये दिखता है कि एकदम से हिल गए या कुछ और हुआ और फिर ये आगे बात करने लगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या इस बीच कोई ऐसा, मतलब इस बीच में अनुभव हो एक्सपीरियंस हो सकता है क्या कि जो वो दर्द आया करंट की तरह आया, तो वो एक सेकंड के लिए तो एहसास ही नहीं होता कि क्या पढ़े क्या संवेदना, तो मतलब पूरा सब कुछ झंझना जाता है बुरी तरह से कहना चाहिए। तो अवेयरनेस को बढ़ाने की बात है ना, वो जो पिंचिंग सेंसेशन है ना, उसके साथ हमको पता लगता है कि मैंने अर्थ दिया है इसको, जैसे आपने उसको महत्वपूर्ण माना हुआ है, ठीक। और ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ भय बना हुआ है कि अगर इसको तुरंत नहीं नियंत्रित किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो शरीर में कोई मेजर परिवर्तन हो सकता है, घातक परिवर्तन हो सकता है। ये तो थोड़ा बैठ के बाद में विचार कर ले, एक तो अगर उसी समय नहीं देख पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो झटका सा लगा और हमने है ना ऐसे रिएक्ट किया। जैसे कई बार आप देखेंगे इसको, आप ऑब्जर्व करेंगे, एक तो आपने बताया शरीर में कोई व्याधि है ना, उसके कारण भी होता है। और मान लीजिए कोई बैठा है और बगल में कोई धमाके की आवाज हो जाए, ठीक, तो शुरुआत में तो आदमी तुरंत घबराता है, डरता है ना, या वहां से हटता है, परंतु थोड़ी देर सजगता हो जाता है, पता लगता है कि देखो आवाज हुई और मुझे शरीर से कोई हरकत करनी है नहीं करनी है, उससे पहले मुझे देखना है हुआ क्या है, ये भी हो सकता है। तो आप पाएंगे कि एक ऑब्जर्वेशन की ही बात है, अपने ऑब्जर्वेशन को जितना हम शार्पन करेंगे, ये संवेदना को मैंने कब कैसे कहाँ अर्थ दिया है ना, और कैसे मैं प्रभावित हुआ, वो स्पष्ट होता है। उसको थोड़ा सा अभी हम लोग करते हुए चले, क्या है अभी ये जो बहुत स्थूल संवेदनाएं हैं, अभी चूंकि उनका भी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, तो और उसके सूक्ष्म जाकर तो देखने काम नहीं हो पाता, बट देखेंगे तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। सर इस ऑब्जर्वेशन में जो आपने कहा भारी जो संवेदनाएं इफेक्ट करती है, उसमें तो 70% भारी है, और फिजिकली जो बॉडी बॉडी में जो संवेदनाएं है वो 25% है। तो इस परसेंटेज में तो ये शायद कंक्लूजन निकलता है कि मेरी समझ बाहर से ज्यादा प्रभावित है। सर सही है क्या? देखिए अभी बहुत सारा आपने मिलावट किया इसमें, जैसे आपने कहा 75% 25% है ना, 25% बॉडी के इनर पार्ट से जो संवेदनाएं हैं वो। अभी रुके, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब मानने की बातें हो गई, ये आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? अभी देखिए क्या है, हम कब क्या अर्थ दे जाते हैं, जैसे हमारा एक आकलन करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल है ना, हमने परसेंटेज असाइन कर दिया, हमने कैसे असाइन कर दिया, ये तो मानकर ही असाइन किया ना, तो अभी इसको ओपन रख दीजिए, ये आपके लिए अभी
इसका आंकलन करना मुश्किल है। जब तक हम संवेदनाओं के प्रति सजग ही नहीं है, है ना, कितना परसेंट कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या पता। तो अभी थोड़ा उसको हटा दीजिए, है ना। अभी तो आप ऑब्जर्व करिए। देखिए ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को स्किप करके हम ये तुरंत जो एक्सप्रेशन वाले पार्ट में आ जाते हैं ना, इससे हमारी गति रुकती है। जी 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 ओके। जो ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को शार्पन करना है अपने को, तो हम बारीकी से देखें, है ना, जो शरीर मोहन वाली घटनाएं हैं उनको देखें, उसको हमने कैसे अर्थ दिया, कैसे हम प्रभावित हुए। ठीक, एक्सप्रेशन तो बहुत बाद में आता है, अभी उसके बीच में ठहर कर ऑब्जर्वेशन को करना है अपने को कि नहीं। जी सर। तो इसको हम ऑब्जर्व करें तो दूसरे का व्यवहार से हम कैसे प्रभावित होते हैं, बाहर की भौतिक रासायनिक घटनाओं से कैसे प्रभावित होते हैं, या शरीर में होने वाली घटनाओं से कैसे प्रभावित होते हैं, इसमें कनेक्टिंग लिंक है मेरे द्वारा अर्थ दिया जाना, जो मीनिंग एसोसिएट करता हूं मैं, किस रूप में लेता हूं मैं उसको, है ना। तो इसको ऑब्जर्व करें। और अभी जैसे कई बार शेयरिंग और प्रश्न से भी निकल कर आता है कि हम बीच में कुछ मिलावट कर देते हैं, कोई अपना पुराना सूचना जोड़ दिया, कोई मान्यता जोड़ दिया, ठीक, अब उसे बात फैल गई, ऑब्जर्वेशन रुक गया, या बाहर की कोई घटने की बात ध्यान में आ गई, ऑब्जर्वेशन रुक गया, तो उस ऑब्जर्वेशन को शार्पन करना है। भैया मुझे एक प्रश्न है मेरा कि जैसे दिन के समय तो मैंने अपने सेल्फ के निर्देश, मतलब मेरे सेल्फ ने कहा और बॉडी ने इचिंग कर, मतलब बॉडी में इचिंग हो गई, मतलब सेल्फ ने निर्णय लिया इचिंग करने का, ठीक है, ये मेरे को लगा। लेकिन रात को गहरी नींद में थी भैया, मैं एकदम गहरी नींद में, और एकदम से मैं, मतलब मेरा ध्यान गया कि मैं बहुत तेजी से इचिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो भैया तब मैंने कैसे, मतलब वो, मतलब डायरेक्शन दे दिया, निर्णय कर लिया इचिंग करने का, मैं बहुत गहरी नींद में थी भैया, ये थोड़ा सा मेरा बन रहा है सवाल। वही तो आपको लग रहा है कि आप बहुत गहरी नींद में थी, बट यदि उतनी ही गहरी नींद में होती जितना आपने माना हुआ है, टीचिंग नहीं करती, यानी नींद की जो गहराई है उसके साथ भी इतना तो जिम्मेदारी का भाव बना हुआ है शरीर में कि ये संवेदना को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस पे हमको कुछ ना कुछ एक्ट करना है, और आपको पता भी है कि आपने टीचिंग किया है ना सोते समय, मीन्स उतना अवेयरनेस तो बना हुआ था। इसीलिए जो सोना है अल्टीमेटली उसका मतलब भी क्या है कि मैंने शरीर को आराम देने की स्वीकृति दी है, तो आराम देने की स्वीकृति दी है, शरीर को खत्म हो जाए इसकी स्वीकृति नहीं दी है। हम शरीर को बचा के रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, साथ में आराम देते हैं। तो अगर शरीर को कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे शरीर ही समाप्त होने की संभावना बन जाए, तो उसके प्रति अवेयर भी रहते हैं, है ना। जितनी भी हमारी अवेयरनेस की उस समय कॉम्पिटेंस है उसके साथ अवेयर रहते हैं। तो यही सब तो ऑब्जर्व करना है अपने आप में, और शरीर में कुछ हुआ फिर वो पहुंच रहा था संवेदना आप तक, आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था तो नहीं ध्यान दे रहे थे सोते समय। एक सीमा के बाद जब वो सेंसेशन बढ़ गया, एक उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, उसके बाद हमने ध्यान दिया, उस पर ध्यान दिया तो इचिंग हुई। सोते समय ही हम करवट बदलते रहते हैं, क्योंकि जिधर सोते हैं उधर हमारा शरीर दब जाता है शरीर के बाहर से, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, कई बार हाथ भी दब जाता है, कोई अंग दब गया, है ना। और जो हमारा पाचन चल रहा है वो पाचन भी प्रभावित होता है, इसलिए जब रात को हम सोने जाते हैं पहले बाईं करवट सोते हैं, फिर एक समय के बाद आप पाएंगे सहज रूप से हम दाईं करवट ले लेते हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से भी ठीक है। तो पहले बाईं करवट सोते हैं, फिर सुबह मल त्यागने का जो समय आता है उससे थोड़ा देर पहले दाईं करवट ले लेते हैं। ये शरीर में संवेदना हो रही है उसके आधार पर हम रिया के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है और हम करते रहते हैं कि नहीं। जी इसको ऑब्जर्व करिए। हाँ जी, थैंक यू। तो अभ्यास दो के इसके फाइव में जो अभी हम लोग इतनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें मुद्दा क्या है कि संवेदना को पढ़ना है, आस्वादन करना है या नहीं, इसका निर्णय मैं यानी चैतन्य इकाई करता हूँ। इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किन संवेदनाओं को महत्वपूर्ण मानता हूँ, और मैं किन संवेदनाओं को महत्वपूर्ण मानता हूँ वो भी मेरे संस्कार पर निर्भर है, मेरे अपने कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है ना उस पर निर्भर है। मैं किन चीजों को महत्वपूर्ण मानता हूँ, किन को नहीं मानता हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को देखिए, जरा सा हाथ में कहीं पे लाल, है ना, निशान आ गया, कुछ स्वेलिंग हो गई, वो परेशान हो रहा है, रो रहा है, ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया, और हमें कुछ हो जाए हम नहीं इग्नोर नहीं परेशान होते, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं। तो किनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं इसके आधार पर मैं उसकी ओर ध्यान देता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, और फिर मैं संवेदना को अर्थ देता हूँ, वो अर्थ भी मेरे संस्कारों पर निर्भर है। तो जो मैं
पढ़ने का निर्णय ले रहा हूँ है ना, वो भी संस्कारों पर निर्भर है। जो अर्थ दे रहा हूँ वो भी संस्कारों पर निर्भर है। अपने संस्कार के आधार पर मैं संवेदनाओं से प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, उसी के अनुरूप मैं अपने भाव तय करता हूँ। तो जैसा मैंने अर्थ दिया उससे मेरे अंदर प्रभाव उत्पन्न होगा कि नहीं, यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है। तो मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है। ये बात हम लोगों ने अभ्यास एक के स्टेप फाइव में भी कही थी और यहाँ भी कह रहे हैं। और ये अपने को दिख रहा है कि मेरे संस्कार से ही मेरे भाव तय होते हैं और मेरे संस्कार से ही जो अर्थ है जो मैं दे रहा हूँ बाहर से आने संवेदना को वो तय होता है। तो अपने संस्कारों के प्रति अवेयर होने की जरूरत है। तो जो काम हम लोग अभ्यास एक में कर रहे हैं अपने संस्कारों की सूची बनानी है, उसमें प्राइमरीली देखें तो भाव वाले पक्ष को देखकर हम लोग कह रहे थे, अब यहाँ संवेदना वाले पक्ष को भी देखकर अपने को एक सूची बनानी है। कौन सी संवेदनाएं हैं जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, कौन सी संवेदनाएं जिसको मैं महत्वपूर्ण मान लेता हूँ, है ना। कुछ लोग होंगे कि फॉर एग्जाम्पल उनका अगर उपवास रखने का अभ्यास नहीं है और उपवास रख लिया, अब सुबह से नाश्ता नहीं मिला, व्याकुल हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, उसी छटपटाहट में चार बातें उल्टी सीधी भी बोल रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि ठीक है तो सामान्य घटना है, थोड़ी देर में है ना जो स्राव हो रहा है शरीर में वो बदल जाएगा और ठीक हो जाएगा सब। तो आप पाएंगे कि ना इस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो यदि मेरा संस्कार सही समझ पर आधारित है, मेरे भाव सहज रहते हैं, मैं सुखी रहता हूँ, बाहर से आने वाली सूचना का ठीक ठीक मूल्यांकन करता हूँ और जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, निर्वाह करता हूँ। यदि मान्यता पर आधारित है, मेरे भाव निश्चित नहीं रहते, मैं सूचना का गलत मूल्यांकन भी कर सकता हूँ, आवेशित होकर प्रतिक्रिया कर सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है या मान्यता पर आधारित है। अब एक और बात आ गई, तो हम देखें तो धीरे धीरे हम अपने अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, अपने अंदर है ना प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं। विचार को देखा, विचार के पीछे भाव को देखा, भाव के पीछे संस्कार को देखा, अब संस्कार के भी आधार को देख रहे हैं और वहां पर समझ का पुट क्या हो सकता है। अगर ये कोई मान्यता है तो समझ का पुट क्या हो सकता है। बढ़िया, तो उसको ऑब्जर्व करें, काफी कुछ है अपने आप में करने के लिए। तो अपने ऊपर पीएचडी करनी है हर व्यक्ति को कि नहीं। एक प्रश्न बन रहा है इस पर कि कल एकादशी था तो व्रत थे, निर्जला एकादशी था, तो सोचे कि पानी को नहीं ग्रहण करेंगे, तो देख रहे थे तो यह एक संवेदना आ रही थी, तो उसको अर्थ में ही दे रहा था कि प्यास लगी है ऐसा, तो काफी लंबा चला ये, लेकिन ठीक है एक समय पर डिसाइड किया कि पानी पी लेते हैं, फिर तो यह पानी पी लिए फिर तो संवेदना आना बंद हो गया। लेकिन भैया ये ऐसे शरीर में मैं देखता हूँ काफी अलग अलग तरीके से संवेदना हो रही है, और कुछ है कभी ठीक तरीके से आपने बोला रही है कि अगर सही से सांस ले लेंगे या फिर थोड़ा पानी पी ले लेंगे तो उधर से संवेदना का प्रभाव जो होता है कम हो जाता है, तो ऐसे भी ढेर सारी संवेदना आती है, तो ऐसे एक एक संवेदना को ट्रेस करते हुए तो लगता है कि कैसे डिसाइड करेंगे पूरा, तो क्योंकि शरीर से संवेदना तो लगातार आ ही रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, तो वो सेल्फ को सेल्फ के द्वारा देखने का काम है और सेल्फ को बॉडी के द्वारा देखने का काम है, तो बॉडी को देखते हैं तो ढेर सारी संवेदना आ रही है और उसको अर्थ भी दे रहे हैं, तो ऐसे मतलब ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि इसके आगे कैसे बढ़ा जाए। ये बात वही, तो मुद्दा अलग अलग संवेदना नहीं है, मुद्दा संस्कार है। तो आपको दिखाई दिया कि अलग तरह की संवेदनाएं आ रही है, और जो एक ओवरऑल जो संस्कार है मेरा कि शरीर से आने वाली संवेदना से मैं प्रभावित होता हूँ है ना, और उससे मैं सुख की आशा लगाए रखा हूँ। ये अगर ओवरऑल देखे तो एक ही संस्कार है कि मैं शरीर से मिलने वाली संवेदना से सुख की आशा रखता हूँ। जी जी जी, कि नहीं जी। ये मेजर इशू है। तो सुख की आशा मेरी शरीर से आने वाली संवेदना से बनी हुई है, इससे निकलना है। सुख की आशा ज्ञान समाधान से पूरी होगी, ना कि शरीर से आने वाली संवेदना से। तो हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं अभी, ठीक। सीधी दिशा ये हुई कि ज्ञान और समाधान सुनिश्चित है, तो जो भी संवेदना आती है उसको मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के साथ मैं शरीर के साथ जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ बिना प्रभावित हुए। तो अगर उसकी पोस्चर में रख दिया जाए थोड़ी देर है ना, तो मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, परेशान दुखी नहीं होता हूँ।
इसको आप अगर शरीर को किसी एक पोस्चर में टिका के बैठाएं घंटा भर जी, तो आपको दिखाई देगा कि एक तरफ से तो संवेदना से मैं प्रभावित होता रहता हूँ, परेशान होता रहता हूँ, और जब मैं परेशान होता हूँ तो जो मेरे भाव विचार में बहुत सारा अनर्गल बैठा हुआ है, अतीत की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये सब ट्रिगर होने लगते हैं और मिला जुला कर आपको दुखी परेशान करने के लिए बहुत होते हैं। तो आप पाएंगे कि इसको कई बार विधिवत अभ्यास भी किया गया है परंपरा में ना, और फिर कहते हैं कि इसे बाहर निकलना है आपको कि नहीं, कि जो जैसे बुद्ध का जो दिया हुआ एक विपश्यना विधि है उसमें दोनों ही काम कर रहे होते हैं, तो शरीर से आने वाली संवेदना को पढ़ रहे होते हैं और उससे जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है हमारे अंदर उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, और उसके कारण जो पहले से बैठा हुआ है अपने अंदर कीड़ा वो भी ट्रिगर होता रहता है, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन दोनों से बाहर निकलने का अभ्यास करते हैं। तो आप पाएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में हमें अपने बारे में बहुत सारा होश होता है, तो ये करने का काम है। अभी हम इसको ऐसा नहीं, इसको अलग से बैठ कर कहीं जाकर ही कर पाएंगे, ये तो हम दिन भर कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा आराम से देखने की बात है, प्रायोरिटी सेट करने की बात है। तो आप पाएंगे कि जो स्टेप 5 है, अभ्यास 1 का और अभ्यास 2 का, इन दोनों में ही हमको अपने संस्कारों के प्रति अवेयर होने का पता लगता है। वहां पे हमारे भाव में जो परिवर्तन हो रहा है संस्कारों के आधार पर, है ना, यही सब जो पीड़ा है, दुख है, चिंता है, उसको लेकर, और ये दूसरा जो शरीर से आने वाली संवेदना, इससे प्रभावित हो रहा हूं। तो जो बात हो रही थी ना कि अभी हम दो तरह से सुखी होने का प्रयास करते हैं, बाहर से कोई अनुकूल भाव पाकर या शरीर से मिलने वाली संवेदना पाकर, और नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो अभ्यास 1 में ये भाव वाला पक्ष हमको स्पष्ट होता है, अभ्यास 2 में इस संवेदना वाला पक्ष स्पष्ट होता है, और इन दोनों के विकल्प के रूप में समझ वाले भाग पे काम करना है, ये भी स्पष्ट होता है जी। भैया एक छोटा सा भैया और प्रश्न है, अगर अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को देखा जाए भैया, तो ज्यादा जो लगाने की अभ्यास 1 पे जरूरत है कि 2 पर? दोनों ही महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट अभ्यास 1 को ठीक से ना करें तो 2 की जरूरत बन जाती है, क्योंकि जो शरीर से संवेदना आ रही है ये बाधा बनती है, और अभ्यास 2 को अगर अभ्यास 2 को ठीक से ना करें तो अभ्यास 1 की जरूरत बन जाती है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। इनफैक्ट जो आप अभ्यास 1 कर रहे थे तो भी संवेदनाएं आप पढ़ ही रहे थे, और जो अभ्यास 2 कर रहे हैं तो भी अपने भाव से आप प्रभावित हो ही रहे हैं। मूल मुद्दा तो संस्कार का है जो मैं में है, तो अभ्यास 2 भी हमें अपने संस्कारों की ओर ले जा रहा है देखने के लिए बारीकी से, और अभ्यास 1 भी ले जा रहा है, और फिर संस्कारों के आधार में समझ पे काम करने की प्रेरणा बन रही है कि ये सब कब तक चलेगा, ऐसे ही प्रभावित होते रहना या इससे बाहर निकलना है। ठीक, तो हम बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर लें बाहर समाज में, है ना, धन पद ये सब हासिल कर लें, और मूल में ये संस्कार यथावत बने हुए हैं, उनका जड़त्व बना हुआ है, तो हमारा सुख तो नहीं बना कि नहीं जी भैया। तो इसमें जो गृह कार्य है वो ये है कि एक पार्ट देखें तो अपने परिवार के सदस्यों या कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संवाद में देखें, जैसे आप अपने कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, मैं निर्णय पूर्वक दूसरे की आवाज की संवेदना को पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ, कि जैसा अर्थ देता हूँ उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ। मैं प्रतिक्रिया पूर्वक या जिम्मेदारी पूर्वक स्वयं में निर्वाह का निर्णय लेता हूँ, फिर आवश्यकता अनुसार शरीर को निर्वाह हेतु संकेत देता हूँ, और जैसा मैं संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है। तो कोई व्यवहार हो रहा है ना, दूसरे की आवाज सामने आ रही है, या फिर कोई दृश्य भी हम देख रहे हैं दूसरे के व्यवहार से उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, उस पर किसी ने कुछ लिख दिया, अब हमने कुछ पढ़ा तो हमारे बारे में लिख दिया, अब मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर मैं मेरे अंदर वो पूरा शुरू हो जाता है, संवेदना आई, मैंने उसको एक अर्थ दिया, इसकी इतनी हिम्मत पब्लिकली मेरे बारे में लिख दिया, अब मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ, अब मेरे अंदर रिएक्शन बिल्डअप हो रहा है, या हमारे कोई तारीफ कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप से, अब मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, है ना, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, आई एम ऑल फॉर हिम और हर, और ये सब चल रहा है अपने अंदर। ये आप पाएंगे कई बार दिन भर में होता रहता है, तो इसको आप ऑब्जर्व करें, है ना, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली में ऑब्जर्व करें, उसमें बहुत सारा इंसाइट मिलेगा अपने बारे में। वैसे शरीर से बाहर कोई घटना घट रही है, ठंड लगना, गर्मी लगना, कोई भोजन करना, या बाहर से कोई आवाज आना, दृश्य होना इत्यादि इत्यादि, न्यूज चल रहा है, टीवी पे मैच चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है,
है ना, सीरियल चल रहा है और उसमें दृश्य देखकर हम हमारे आंखों से पानी निकल रहा है, कोई दृश्य चल रहा है और हमारे अंदर रोष पैदा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई दृश्य चल रहा है और हमें बहुत अच्छा किया, वाह ये होता है हीरो तो ऐसा बहुत सारा हमारे अंदर रिएक्शन चल रहा होगा, उसको भी ऑब्जर्व करें। और वैसे शरीर में कोई घटना घट रही है, सरदर्द, खाज, खुजली, गुदगुदी इत्यादि, उसको भी देखें। तो करने के लिए तो बहुत सारा काम है ना, थोड़े समय की सीमा के कारण हम लोग इसको 2-3 दिन में कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, बट इस पे तो लगातार अपने आप को बनाए रखें, इस भाग को बनाए रखें, काम करते रहें अपने ऊपर, तो आप सबके लिए उपयोगी होगा। एक प्रश्न अभी अभी आपके ये डिस्कशन से उत्पन्न हुआ है, संस्कार जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पेशेंस जो आदमी में आता है, जैसा अभी हम पेशेंस रखे हुए, मैं सवेरे से पेशेंस रखे कुछ सुन रहा हूँ या जो भी है, तो ये मतलब पेशेंस जो है ये संस्कार में आएगा या फिर हमने अपने आप में डेवलप किया हुआ संवेदना को कंट्रोल करने वाला या भाव को कंट्रोल वाला तरीका हुआ, ये इसमें थोड़ा सा 2 मिनट बता दीजिए प्लीज, परिवार के साथ सुन रहा हूँ। अच्छा बढ़िया बढ़िया भाभी बोलना चाह रही थी कुछ संवेदना नहीं है। तो जो पेशेंस है ये भी समझ आधारित भी हो सकता है, मान्यता आधारित भी है ना। तो अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो रिएक्शन तो उत्पन्न हो रहा है, बट मैं उसको दबा रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, वो भी हमको कई बार पेशेंस लगता है। और पेशेंस का दूसरा मतलब ये है कि मेरे पास समाधान है तो मैं सहज रूप से ही आवेशित नहीं होता हूँ, सुनता हूँ है ना, उस बात को समझ पाता हूँ, उसके अनुसार जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, ये भी पेशेंस है। तो वास्तव में देखें तो यही पेशेंस है। ये जो पहला वाला भाग है वो पेशेंस नहीं है, वो तो एक कंडीशनिंग है, हमने अपने आप में एक मान्यता बना ली है कि अपने आवेश को दबा रहे हैं, अपने प्रतिक्रिया को दबा रहे हैं, तो उससे तो कुछ खास उपलब्धि नहीं है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि अभी तो पेशेंस दिख रहा है और उसी का रिएक्शन दिन भर चले, कि सुबह तो गुस्से को पी गए और अब धीरे धीरे वही डिस्कशन कर रहे थे, वही चल रहा था कि तुम तो अभी तो सवेरे तो बहुत अच्छे रहते हो, 1 घंटा मस्त हंसते खेलते हो, लेकिन बाद में क्या हो जाता है। जी भैया बढ़िया भैया, नमस्ते। दिन भर टपकता रहता है हमारे व्यवहार में, नहीं दिन भर भी हम ये कोशिश करते भैया कॉलेज में भी कि हम खुश रहे बस। जी भैया प्रश्न यही है कि अभी जैसे चर्चा हो रही थी, तो एक जो हम लोगों की मान्यता है जो शरीर जड़ वस्तु है और ये चीज पर ध्यान नहीं गया है, जो शरीर और जीवन अपने सह अस्तित्व पूर्वक है, तो शरीर को साधन के रूप में प्रयोग करना है, तो उस कारण बहुत बार शरीर को के स्वास्थ्य को उसको इग्नोर कर दिया गया। तो अभी लेकिन ये है ना भैया कि मेरे भी शरीर में बहुत तरह की पीड़ा है, बहुत तरह का रोग है, लेकिन उसको अब उसके उसको लेकर प्रतिक्रिया अधिक नहीं है। उसमें ये आप लोगों के सानिध्य में समझ में आया है कि शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव जिस कारण भी नहीं रखे तो शरीर में रोग है। अधिक जो परेशानी है वो वही वाला चीज में जो कल्पनाशीलता में जो गड़बड़ी हो रहा है ना, उसके कारण अधिक वो है। तो इस तो क्या होता है ना भैया, हम अपना ये बता रहे हैं ऑब्जर्वेशन कि कभी किसी चीज को ज्यादा ओवर इवैल्यूएशन कर देते हैं। मैं अपनी बात रख देता हूं। देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अभी हम अपने संस्कारों के प्रति सजग नहीं है। जी। और एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे ध्यान बहुत ज्यादा है अपना, कि जो कुछ भी उसको एक्सप्रेस करना है, रुक जाइए रुक जाइए, जो कुछ भी उसको एक्सप्रेस करना है, बट जो बारीकी से ऑब्जर्व करना है अपने अंदर, वो काम छूट रहा है। इसलिए बहुत सारा समय लगाकर भी हमको अपने आप में वो गति नहीं दिखती, तो अपने को वो काम बारीकी से करना है। ये जो अर्थ दे रहा हूं मैं संवेदना को, उसके धर्म में जो मान्यता है, या जो मेरे भाव में निर्णय हो रहा है उसके धर्म में जो मान्यता है, उस मान्यता को हम ठीक से देखें, उसको एक कॉपी पेन लेके बैठें, उसको लिखें, है ना, वो उपयोगी रहेगा। और खाली अपने एक्सप्रेशन को ना देखें कि मैं कल गुस्सा कर गया, कि मैं कल ये बोल गया, ये इससे नहीं निकलेगा, उसके आधार में जाए। तो अभी क्या होता है, हमें से कई साथियों का ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन पे ध्यान ज्यादा है, एक्सप्रेशन के पीछे जो विचार है उसपे है ना थोड़ा कम ध्यान है, उससे और कम ध्यान भाव पे है, उससे और कम ध्यान संस्कार पे है। तो करने का काम यह है कि संस्कार पे ध्यान अधिक से अधिक हो जाए, बाकी चीजें अपने आप स्फूर्त विधि से है ना ठीक होती जाती है। उसको हमको करने की जरूरत है, उसको इग्नोर करके चलेंगे तो फिर एक्सप्रेशन पे ही ध्यान बना रहेगा और उसमें फिर कुछ खास निकलेगा नहीं। जी भैया जी। और भैया ये भी तो है ना कि बहुत बार हम लोग यदि एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ये जो अभ्यास सत्र सुबह में शुरू हुआ है, तो अपने अंदर जो
चल रहा है गड़बड़ी वाला चीज वो भी दिखता है, तो वो जो आप बार बार कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं कि मतलब उसको उस पे परेशान नहीं होकर के उस पे काम करने की जरूरत है। एक बार सुन लिए, ऑब्जर्व करें, देखिए एक्सप्रेशन से क्या होता है, कभी कभी हमने अपनी पीड़ा बाहर रख दी उससे थोड़ा हल्का महसूस किया, बट अल्टीमेटली भारी हो गए। जब संस्कार पे काम करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें परिमार्जन करेंगे, तो फिर अस्थाई काम होगा, उससे पहले कोई अस्थाई काम नहीं होगा। नहीं, ठीक बात है भैया। एक प्रश्न है कि संवेदना और संस्कार में क्या अंतर है? संवेदना तो जो शरीर से आने वाली सूचना है वो है, संस्कार है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है इच्छा के स्तर पर, उसको संस्कार करें। जिस संस्कार के साथ मैं जुड़कर अर्थ देता हूँ संवेदना को, संवेदना संस्कार को देख रहे हैं और अपने भाव के निर्णय से भी संस्कार को देख रहे हैं, और संस्कार वो है जो मान्यता के रूप में पुष्ट हो गया हमारे अंदर, मान्यता भी हो सकता है, समझ भी हो सकता है, और फिर उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर उसके हम परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं। आज के लिए गृह कार्य रहेगा। अब इसमें तो देखें तो तीनों ही भाग जुड़ गए हैं कि दूसरे का व्यवहार, बाहर होने वाली घटना और शरीर में होने वाली संवेदना। तो ऐसे हम लोगों ने दूसरे का व्यवहार या बाहर होने वाली क्रियाओं से जो शरीर में प्रभाव उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण जो मुझ में घटित हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने का अभ्यास किया था, और आज शरीर में होने वाली घटनाओं को भी जोड़ लेंगे और इन सबको जोड़कर एक साथ देखने का अभ्यास करेंगे। जी, तो समय भी होने वाला है। जी, सम टोटल ऑफ बिलीफ्स, हाँ श्रीलता जी कह रही है, तो संस्कार रूप में देखें तो ये दिखाई देगा कि जो भी आपके अंदर मान्यताएं बनी हुई हैं, गहरी गहरी मान्यताएं बनी हुई हैं, उनका सम टोटल देखते हो संस्कार रूप में है। तो समय हो चला है, हम लोग क्लोज कर सकते हैं सेशन। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।